त्यानंतर आमचा कॉमेंट्री बॉक्स दाखवण्यात येतोय. मी स्वतः सचिन गोंदली, माझ्या समवेत स्कोरर समीर भुईर आणि आमचे सहयोगी समालोचक एक हिंदीचा बुलंद आवाज आदित्य फोनवर बोलतोय. त्यानंतर आमचं मिक्सिंग पॅनल पूर्ण प्रिन्स मूवी साफसुथरा टेलिकास्ट पूर्ण तालुक्यामध्ये युट्यूबच्या माध्यमातून एसएमबी केबल नेटवर्कच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतोय. धन्यवाद पूर्ण आदित्य. बिल्कुल, अब इसकी इस मैच की इनिंग के बाद चिट्ठी का प्रोग्राम होगा. एक चिट्ठी में पीजी स्पोर्ट्स कास्ने, एक चिट्ठी में एसके सापे और एक चिट्ठी में इस मैच की विजेता टीम मतलब विनर्स नाम रहेगा. इनिंग खत्म होने के बाद चिट्ठी का प्रोग्राम होगा. एसके सापे के कप्तान और आपको कहीं भी नहीं जाना है. तेज तरार गेम्स मतलब विद्यानंद के लिए थी. नितिन पहले ओवर का भार संभालते हुए स्मर्तबा स्वाप सीप कर दिया खाली क्षेत्र में गेंद. पहले बाउंस पर डीप मिडिल गेट के बाहर चार रन के लिए बिल्कुल स्वाप सीप किया था सचिन वापर विद्यानंद ने गेंद चली गई चार रन के लिए. ऑर्केस्ट्रा लागलेलं आहे नाचायला, मात्र इथं गोलंदाज पोचतोय. खेळ अंपायर पोचायचंय वैभव अलके. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे जे गाणं आपण आदरणीय काठोडजी अलके साहेबाबद्दल शुभागमन होते त्यांचं सरसे स्वागत. एखादं स्वीप शॉट खेळण्यामध्ये विद्यानंद असेल किंवा किरण शेलार असेल अमर कास्ते संघाचा स्वीप मारण्यामध्ये माहीर आहेत. आणि जयेश असेल कालच्या दिवसामध्ये आपण पाहिलं असेल जय गणेश वाफाळे संघाचा जयेश याने मात्र मंत्रमुग्ध केलं होतं. इथे मात्र विद्यानंद तेच काम करतोय. पहिल्या चेंडूवर चौकार अश्चल करतोय चार धावांनी. इथं मात्र खोलवर टप्प्याचा चेंडू एक धावेसाठी जातो. एका धावीने धावसंख्या पुढे सरसवते. धावसंख्या होती ती पाच. गोलंदाज नितीन गोलंदाजी मार्गवर सज्ज. इथे मात्र आसमारी डोळा लांबच्या डोक्याच्या वरने गेलून घालतोय सहा धावांसाठी झटका. ऊंचाई गेंद प्राप्त की थी, गेंद दूर गई गिरती थी छह रन के लिए. बहुत खूबसूरत कैमरा वर्क प्रिंस मूवीज का. हमारे बीच में इसके साफे के समर्थक जोगेश इस मरतबा और एक भेज दिया है ग्लेन मैक्सवेल के अंदाज में छह रन. चार गेंद की और ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल जिस प्रकार शॉट को अंजाम देते हैं उसी अंदाज में यतीश शिलान ने शॉट को खेला था. यतीश का आतिशी शॉट हम देखते हुए छह रन. नितिन फिर एक मरतबा और दी विकेट. स्मरतबा अच्छी गेंद है लेकिन आउट ऑफ दी लेग स्टंप. लेग स्टंप को छूटती गेंद व्हाइट का इशारा तब त्रिशूल ठाकरे का. एक रन के साथ अठारह पर जाता हुआ स्कोर बिना किसी नुकसान पर. निश्चितच इथे मात्र खोलबटोपर्यंत चेंडू आली कप्तानी शॉट आणि चेंडू जातोय चार धावांसाठी चौकार. महेंद्रसिंग धोनीची आठवण करून देणारा हा फटका
माई भिक्षा दे माई धावसंख्या पोचते 22 या धावसंख्येवर यती शेलार यांचा हा धमाका सरस्वती स्पोर्ट खालिंग संघाला शुभेच्छा येत आहेत यती शेला शुभेच्छा येत आहेत जनार्दन शेलार याच्याकडनं उर्फ जान नावानं प्रसिद्ध असलेल्या जनार्दन शेलार यांच्याकडनं शुभेच्छा येत आहेत आणि सामना सुरू होतोय गोलंदाजी बारकर गोलंदाज भरत पाटील गोलंदाजी पर आते हुए सामना करते हुए विद्यानंद ओपन करने के लिए विद्यानंद और यतीश शेलार विद्यानंद अब तक 5 पर बल्लेबाजी कर रहे और गेयर को चेंज कर दिया विद्यानंद ने ये देखिए कैच भी छूट गया अब पाहिला जर पूर्ण प्रेक्षक मध्ये एकाच्या हाताला लागले एकाच्या डोक्यावर लागले एकाच्या पायावर पडला मात्र झेल काही टिपता आला नाही 111 रुपयाचं पारितोषिक गमावलं प्रेक्षकांनी आणि एक एनर्जी ड्रिंक धन्यवाद ऐसा लग रहा है कि पूरी गेंद घी से भरी हुई थी क्योंकि गेंद अब से तीन खिलाड़ी से छिटक गई थी इस मतलब तेज तरार गेंद गेंद को सफल होकर मार दिया गेंद चली गई डी बैकवर्ड ऑफ डी स्क्वायर एक रन के लिए एक रन के साथ स्कोर अब आगे सरकता था 29 सरस्वती खालिंग का बिना किसी नुकसान पर अब कोई भी विकेट अभी तक नहीं गिरा है सचिन गुन्नी देखा जाए तो यहाँ से एक बड़े लक्ष्य की तरफ देखना चाहेंगे जिस तरह से उन्होंने ओपनिंग में कहा था यतीश शेलार ने आता इथे माझा लोटा चेंडू चेंडू मिरकावून देतो वाईडी लांबांचा क्षेत्ररक्षक उचलतो तोपर्यंत एक डाव सहज पूर्ण करतो यतीश शेलार यतीश शेलार याच्या बॅटचा जो फोर्स आजच्या दिवसामध्ये आपण पाहिला असेल खर तर उंच बॅकलिपने खेळण्याचा प्रयत्न करत असतो इथे मात्र डोक्यावर भरपट होतो मात्र करारे फटके पाहायला मिळतात ज्या फटक्यावर प्रहार करतो त्या फटकेमध्ये रिझल्ट आणतो लेकिन खिलाडी ऑल आउट होते विद्यानंद विद्यानंद के पारी का अंत होता था विकेट किसी भी सरस्वती खाली थी जिस शख्स का सचिन गोन्नी इंतजार कर रहे थे जिस खिलाड़ी का उस खिलाड़ी को मैदान में भेजा गया विवेक शेलारा निश्चितच या खेळाडूकडे आपण पाहिलं असेल ज्या वेळेस हा लहान होता 12-13 वर्षाचा खेळाडू असताना सुद्धा शॉर्ट थर्डमॅनला क्षेत्ररक्षण करत असायचा आता मात्र मुख्य खेळाडू झालेला या संघातील आणि तो संघात नसताना कुठेतरी कमी वाटते म्हणून सकाळपासून विवेक शेलार इथे मार्ग आसमानी गोळा आणि झेल सुटतो विवेक शेलार याचा एकदा पूर्ण दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न दोन धावा सहज पूर्ण करतोय आणि या दोन धावेने धावसंख्या पुढे सरसावती आहे 32 विवेक शेलार संघामध्ये आल्यानंतर दोन गोष्टी एकतर विस्फोटक फलंदाजी आणि धारदार गोलंदाजी आदित्य बिलकुल लेकिन एक जेबी कप उनकी खराब गेंदबाजी उसके बाद उन्होंने 6 कप में गेंदबाजी नहीं की थी एक बहुत ऊंचे क्लास के खिलाड़ी है लेकिन अब नाना कप से उन्होंने सिटी क्रिकेट में गेंदबाजी की शुरुआत की है इस मतलब पुल किया लेकिन मोटा सिरा गेंद विकेट कीपर के पास आउट होते हुए विवेक शेलार प्राइज लेस विकेट मिलती हुई छत्रपति 11 साने के लिए डीजे बाय भवन द मिक्स Thank you.
धावसंख्या 32 धाव फलकावर लागते 32 विवेक शेलार बाद होते बॅक टू बॅक पहिल्या चेंडूवर बाद झाला असता मात्र दुसऱ्या चेंडूवर सहज झेल देतो इच्छिरक्षकाकडे आणि विवेक माघारी परततोय विवेक शेलार मनोजी दळवी साहेब यांचं शुभागमन झाले वेलकम मनोज मृदुल तसेच बाळाराम दळवी समवेत या सामन्याचा आनंद घेत आहेत मनोजी दळवी आपण पाहू शकता व्यासपीठावर आनंद घेत आहेत मनोज दळवी आमच्या कासनेगावतील प्रथम ऍडव्होकेट वकिली ज्यांनी पूर्ण केली ते मनोजी दळवी व्यासपीठावर आनंद घेत आहेत धन्यवाद गोलंदाज अशोक इथे मात्र शॉटऑफ पुढचे नऊ चेंडू विरकाम दिले चांगलं क्षेत्ररक्षण एक धाव पूर्ण आणि एका धावेवर येतीस समाधानी आहे प्रशांतला माहिती देतो जोपर्यंत गेलपट्टी असेल तोपर्यंत धोक्याची घंटा साने संघावर वाजत असेल तिसरं षटक घेऊन आलाय अशोक येतीस शेळाच्या राडार मध्ये चेंडू होता खर तर आणि रन मशीन आहे खाली संघाची येतीस शेलार मात्र अकूट टप्प्याचा चेंडू विरकावण्यामध्ये कुठेतरी अपयशी ठरले आदित्य निश्चित रूप से क्योंकि यतीश शेलार का भी टच में तीसरे ओवर का इस वक्त खेल चलता वाला एक टाइम राउंड विकेट इसमें दबा पुल ओवर है पावरफुल गेंद लॉन्ग लेग की दिशा पर छह रन नहीं कैच भी छूट गया वहां पर दर्शकों से दिखले में साफ नजर आया था पर क्या गेट छूट गया था दर्शक के हाथों से छोटी गिनती शबल गए थे और वहीं से पुल शॉट खेला था गहरी क्रीज बॉक्स का इस्तेमाल किया था प्रशांत ने मरतबा छोड़ दिया गेंद का पीछा किया था आउट ऑफ दी अपस्तमा दूसरे मोहल्ले ने गेंद को किया था गेंद दूसरे गली में चली गई थी एक रन के लिए व्हाइट का इशारा था एक रन के साथ स्कोर था 40 की ऊपर जाता हुआ सरस्वती कलंका इथे होता पूर्ण अकूट टप्प्याचा चेंडू चेंडू जातोय फाईन एकच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्रक्षक जेल सोडतोय प्रशांत याची दोन धावेचा प्रयत्न असेल आणि दोन धावा सहज पूर्ण करतोय प्रशांत आणि यतीश एकरी विहिरीवर तितका भर देणं गरजेचं आहे तितकं भर देत आहेत खालील संघाचे फलंदाज ही जोडी प्रशांत आणि यतीश गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज पुन्हा सज्ज अशोक येथे मात्र पंच इशारा करतायत नो बॉल आणि चेंडू जातोय दरम्यान बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकार स्वयंसेवक मनोज दळवी आमच्या कासनेगावतील प्रथम ऍडव्होकेट वकिली ज्यांनी पूर्ण केली ते मनोजी दळवी व्यासपीठावर आनंद घेत आहेत धन्यवाद अशोक इथे मात्र शॉटऑफ पुढचे नऊ चेंडू विरकाम दिले चांगलं क्षेत्ररक्षण एक धाव पूर्ण आणि एका धावेवर येतीस समाधानी आहे प्रशांतला माहिती देतो जोपर्यंत गेलपट्टी असेल तोपर्यंत धोक्याची घंटा साने संघावर वाजत असेल तिसरं षटक घेऊन आलाय अशोक येतीस शेळाच्या राडार मध्ये चेंडू होता खर तर आणि रन मशीन आहे खाली संघाची येतीस शेलार मात्र अकूट टप्प्याचा चेंडू विरकावण्यामध्ये कुठेतरी अपयशी ठरले आदित्य निश्चित रूप से क्योंकि यतीश शेलार का भी टच में तीसरे ओवर का इस वक्त खेल चलता वाला एक टाइम राउंड विकेट इसमें दबा पुल ओवर है पावरफुल गेंद लॉन्ग लेग की दिशा पर छह रन नहीं कैच भी छूट गया वहां पर दर्शकों से एसएससी के लिए भी है कुंड के लिए पीजी स्पोर्ट्स काफी के लिए स्मार्ट घूम के मार दिया है गेंद लॉन्ग लेग की दिशा दे पारितोषिक सोडले श्री विरीक्षक रूपा कांदी संघाच्या पाटील राखेने
धन्यवाद डीजे. इथे मात्र खोलवर टप्प्याचा चेंडू एका दावेसाठी प्रयत्न करतोय यतीज आणि सहज एक धाव पूर्ण करतोय. एका दावेने तीन षटकाच्या समाप्तीनंतर एकूण धावसंख्या धाव फलकावर 56. पन्नासहून अधिक धावा ज्यावेळेस धावफळकावर लागतात एक मानसिक दडपण प्रतिस्पर्धी संघामध्ये संघाच्या फलंदाजांवर येत असतो. तो मात्र मानसिक दडपण कसे हॅन्डल करतायत, कसे मानसिक दडपणातून बाहेर निघतात हे पाहणं उत्सुकतेचं राहील छत्रपती स्पोर्ट्स साने संघाच्या फलंदाजांकडनं. कृपया विलेजे बाबतीत सहकारी करे यतीश प्रशांत स्टॅरिस विलेजे बाबतीत सहकारी करा. शेवटचे सहा चेंडू बाकी असताना कृपया पाण्याची व्यवस्था करू नका. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सागर. इथे मात्र अकूट टप्प्याचा चेंडू चेंडू हवेमध्ये स्क्वेअर लेग पंचांच्या पर्यंत चेंडू पोहोचतो एका धावेसाठी. एका धावेने धावसंख्या पुढे सरसावली. धावसंख्या होती ती 57 धावसंख्येपर्यंत पोहोचतोय तो. सरस्वती खाली संघ अजूनही 5 चेंडू शिल्लक आहेत या षटकातील. इथे मात्र बाहेरच्या पट्ट्यामध्ये चेंडू येत नाही. चेंडू जातो स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये. एका धावसंख्या दुसरी धाव चोरण्याचा प्रयत्न होते. 2 धावा आणि दोन धावा सहज पूर्ण करते. 2 धावेने धावसंख्या पुढे सरसावते. धावसंख्या होती ती 59. इथे मात्र चेंडू भिरकावून दिलाय लॉंग लेग बॉन्ड लाईन कडे. रिझन मध्ये चेंडू जातोय 4 धावांसाठी. या 4 धावेने धावसंख्या 63. इथे मात्र धावांचा पाऊस पाडले कालीन संघाने असं म्हणणं अवघड ठरणार नाही आदित्य. ओपिनियन ने जब कहा था कि यतीश चलाने के अच्छा टोटल की तरफ हम हमारी टीम जाना चाहेंगे और एक अच्छे लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई सरस्वती खालिंग मरतबा कहना चाहते हैं बड़ा स्टोर लेकिन गेंद चली गई जमीन के सारे डीप मिड विकेट पर. हालांकि निचले हिस्से पर गेंद लगी थी पूरी लंबाई की गिनती खुद के निकाला तो अपर गेंद जमीनी रास्ते से ट्रेवल होकर चली गई थी. एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64 सरस्वती खालिंग. अभी भी कुछ गेंदे शेष आखिरी ओवर की. टू ओवर पावरफुल और एक सिक्सर. क्या बल्लेबाजी हो रही है सचिन गुंडी. छोटी गेंद जैसी मिलती है उसी नसीहत मिलती है. स्वयंसेवकाला विनंती आहे चेंडूचा ताबा घ्या बॉर्डर लाईनचा ताबा घ्या. स्वयंसेवक स्कोर इस वक्त 70 बनते हुए अभी भी आखिरी गेंद शेष है इस ओवर की. पुल कर दिया लेकिन इस मरतबा ग्राउंड के अंदर और गेंद के नीचे खिलाड़ी 4 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेटों के नुकसान पर सरस्वती खालिंग 70-71 का लक्ष्य. हम अब चिट्टी का प्रोग्राम करने जा रहे हैं. एक चिट्टी में इसके साथ है एक चिट्टी में पीजी स्पोर्ट्स कास्ट ने ए और एक चिट्टी में विनर्स मतलब विजेता टीम. दोनों टीम के बारे में खिलाड़ी हमारे बीच में आपको भी आगे ना है. समय के बारे में खिलाड़ी आपको भी आगे ना है.
तीन चिट्ठी आए रविंदा, और आपको कैमरे की तरफ चिट्ठी का नाम दिखाना है ओबॉल के पीजी कासने संघाला बाय मिला चिट्ठी च्या रूपाने अभिनंदन स्मित धन्यवाद। और आज का चोटी का आखिरी मुकाबला खेलने के लिए जिस चिट्ठी में नाम है उस टीम का नाम है ऑर्गेनाइजिंग टीम पीजी स्पोर्ट्स कासने ए। ओपनर्स बजना क्योंकि समय के मामले में कोऑपरेट करना है। कासने के फास्ट और फ्यूरियस बॉलर मयूर दलवी अब जहां भी हो आपको वीआईपी मंच पर आना है, आपके दोस्त साहिबा आपका इंतजार कर रहे हैं। मयूर दलवी कासने के बाद फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलर है, चार ओवर में जीतने के लिए 71 का लक्ष्य छत्रपति इलेवन साने के सामने सरस्वती खालिंग ने रखा है। मान्य श्री गुरुनाथ जी भोईर भोईर साहब से निवेदन आपको मंच पर आना और मंच की शोभा बढ़ानी है। मान्य श्री गुरुनाथ जी भोईर और उनके साथ कातोड़ जी हल्के से भी निवेदन आपको भी मंच पर आना और मंच की शोभा बढ़ानी है। मान्य श्री गुरुनाथ जी भोईर और कातोड़ जी हल्के आपसे निवेदन आपको मंच पर आना और मंच की शोभा बढ़ानी है। लौट चलते अब खेल की तरह था इकहत्तर रनों का पीछा करने के लिए दो ओपनर्स बीच मैदान पर संदेश और उनके साथ नितिन आ चुके यतीश शेलार और दी विकेट स्मार्तवाद तेज फरार गए न अजू भी गरीब ढंग से बल्ला चलाता पर बैट्समैन ने नजरें बिल्कुल हट गई थी, गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास। अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल से उठाया गेंद को डीप में विद्यानंद ने गेंद को उठाया डीप मिड विकेट पर एक रन इस बीच पूरा करते हुए एक रन के साथ संदेश का खाता खुलता हुआ और एक रन के साथ खाता खुलता हुआ टीम छत्रपति इलेवन साने का स्ट्राइक इस पर नितिन के पास है जो नॉन स्ट्राइकर इन पर थे। फिर से तेज तरह गए पूरी लंबाई की गेंद और आउट घोषित करते हुए गेंद का बाद यतीश शेलार को इस वक्त पहली सफलता मिलती थी। मोटा सिरा लेकर गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास है। लगी गेंद और बल्ले के बीच में जब कनेक्शन होता जब ग्राउंडेड हुआ था बल्ला इसी के कारण दो आवाज आई थी बल्ले की भी और ग्राउंडेड की आवाज आई थी। डीजे
माननीय श्री पांडुरंग जी परटोले साहब से भी निवेदन आपको भी मंच पर आना और मंच की शोभा बढ़ानी है। एक पर एक नए बैट्समैन भरत आ चुके कदमों का इस्तेमाल किया है, निकल के मार दिया है विवेक शेलारगन के नीचे और भरत इस वक्त परत जाते हुए धन्यवाद। कदमों का इस्तेमाल किया था, मीटर के मारने की कोशिश थी अगर भरत पाटिल के, लेकिन विवेक शेलार दीवार के खड़े थे। इस मरतबा गेंद का पीछा किया, मोटा सरा गेंद है, तेज सरकती थी, नॉन स्टॉप सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। मतलब अच्छी गेंद की थी, देखना क्या इशारा था त्रिशूल ठाकरे का। बल्ली को छूने के बाद गेंद चली गई थी। एक ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर अब बैकफुट पर चली जाती थी। ओवर की समाप्ति के बाद छत्रपति 11 साने दिसंबर से 27 दिसंबर तक हम जय महाराष्ट्र भीड़गांव का फ्री एंट्री का टूर्नामेंट, उसके बाद फिर 7 जनवरी से 11 जनवरी तक विकी स्पोर्ट्स कुक्सी के नई साल की नई पेशकश, उसके बाद फिर शाहिद खान और विष्णु चंदे, उसके बाद मिशिर नाचन सादात पटेल और 5 फॉर्च्यून का वो अमदार चषक मान्य श्री आमदार शांताराम मोरे का दाम देखने जा रहे जो टोल नागा क्रिकेट ग्राउंड पर, उसके बाद इसके सापे, उसके बाद फिर जयगणेश वाफाले और बाद में फरवरी में जो इस वक्त 3 गेंदबाजी करे उनका शो देखना ना भूलिए, जिसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड मोटर बाइक एक पड़गा टेनिस क्रिकेट में नए कीर्तिमान सरस्वती खाली रचने जा रही है फरवरी से 7 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक। विवेक शेलार स्मर्तबा तेज की थी लेकिन पुल करते हुए गेंद
हेलो हेलो गिरते पड़ते गेंद को रोकने की कोशिश, लेकिन गेंद चली गई डीप कवर के बाहर चार रन के लिए। दो ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन दो विकेटों के नुकसान पर इस वक्त साने एक 71 मतलब बड़े लक्ष्य का पीछा करती हुई कहीं ना कहीं बैकफुट पर चली जाती हुई दो ओवर की समाप्ति के बाद। विवेक शिला ने एक अच्छा स्पेल किया जिसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो 12 रन खर्च किए। तीसरे ओवर के लिए प्रशांत आ चुके सामना करते हुए बैट्समैन रोहित दास। संदेश ओपन के लिए अभी भी क्रीज पर है जिन्होंने पहले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी। स्मृत बाबा में उठा दिया है लेकिन गेंद डीप मिड विकेट के बाहर विदानंद के सर के ऊपर से गेंद चली गई चार छह रन के लिए। फिर से आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश बीट हुए बैट्समैन रोहिदास रुका हुआ स्कोर इस वक्त 24 रन दो विकेटों के नुकसान पर 71 रनों का पीछा करती हुई लगभग मैच को छोड़ दिया है। पर सामने की टीम ने कोशिश जरूर हो रही है इस मरतबा डाउन दी विकेट के लिए बॉलर बैक गए खिलाड़ी अब जाके गेंद को उठाते हुए डाउन दी विकेट की दिशा में एक रन के लिए। अब जीत और हार के बीच में जो अंतर है जो डिस्टेंस है उसको कम करने की कोशिश हो रही है साने के माध्यम से। फिर कदमों का इस्तेमाल किया इनसाइड आउट खेला है लेकिन खिलाड़ी लॉन्ग आउट के दिशा में थे और विकेट नंबर 3 गिरता हुआ संदेश के रूप में। इस मैच की विजेता टीम और इसके साबे के बीच में टॉस होगा। सचिन गुंडप को कमेंट्री बॉक्स में आना है। वॉइस ऑफ पड़गा टेनिस क्रिकेट, पड़गा टेनिस क्रिकेट के मशहूर और बुलंद आवाज मराठी की प्रशांत राउंड विकेट रोहिदास के लिए। स्मरतबा छोड़ दिया वाइड का इशारा था वा त्रिशूल ठाकरे का एक रन स्कोर में मिलता हुआ एक रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 26-3 विकेटों के नुकसान पर एक हाई स्कोरिंग का सामना करते हुए टीम इस बार बिखरती भी साने की लेकिन इस मरतबा उछाल दिया है सीधा दिया भी मंच पर थी भी गेंद 6 रन के लिए। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरर्स लोग बताते हुए कुल मिलाकर रन बने 32 मतलब अब काफी रनों की अभी भी जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। 6 सिक्सर भी अगर लगाते तो फिर मैच में कुछ एक अलग पिक्चर रहेंगे। हालांकि मैच को तो नहीं जीतेंगे लेकिन बहुत मुश्किल है स्विच इट लेकिन नाकामयाब। अब 5 गेंदे बची इस मैच की औपचारिकता इस मैच की विजेता टीम और इसके साथ फिर से घूम के मारने की कोशिश गेंद चली गई विकेट कीपर के पास
माननीय श्री शिवसेना के एक बहुत मशहूर लीडर कल्याण डोंबिवली के बहुत पंडित शेठ म्हात्रे और शिवसेना युवा सेना शाहपुर अंबर जे उनके विद्यमान से धर्मवीर चषक हम देखने जा रहे 8 जनवरी से लेकर 13 जनवरी जो अंबर जे के क्रिकेट ग्राउंड पर इस मेगा इवेंट का उद्घाटन होगा। पुंडलिक शेठ और उनके दोस्त सुपुत्र जयेश पुंडलिक म्हात्रे और दीपेश पुंडलिक म्हात्रे की देन शिवसेना युवा सेना अंबर जे शाहपुर तालुका के विद्यमान से कब हम देखने जा रहे। इस मरतबा 4 रन मिलते हुए साने की टीम के लिए धन्यवाद दीजिए। 8 जनवरी से 13 जनवरी तक एक कब है जिसकी एंट्री फीस 10,000 रुपए है। पहला इनाम है 1,11,111, उसके बाद 55,000, उसके बाद 22, उसके बाद थर्ड और फोर्थ जो प्राइज जो सेम रहेगा 22,222 रुपया। संपर्क अगर आपको लेना है तो अगर उस धर्मवीर चषक में किसी अगर प्रवेश लेना तो फिर पड़गा टेनिस क्रिकेट के त्रिशूल ठाकरे के साथ आपको कॉन्टेक्ट करना है। फिर से मिस टर्निंग है और इसके साथ इस मैच को जीत लिया है सरस्वती खाली ने। और इस मैच के मनोज दिनेश खिलाड़ी हेलो धन्यवाद नाणेफेक की होते आजच्या दिवसातील सेकंडला सर म्हणजे सन्माननीय पांडुरंगजी पटोले साहेब यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक होते आणि स्वर्गीय महादेव स्मृती चषक येते नाणेफेक जिंकते तो एसके स्पोर्ट सापे संघ भावनेने विनंती असेल हस्तांतरण करून दोन्ही संघांना शुभेच्छा देऊन आपण तो चषक तो ट्रॉफी द्यायची एक प्रकारची प्रथम एसके स्पोर्ट सापे संघाने भावनेने विनंती असेल आपण पुन्हा व्यासपीठावर विराजमान व्हायचे नाणेफेकी जिंकून आपला निर्णय काय असेल फिल्डिंग क्षेत्ररक्षण स्वीकारायचं खालीन संघाची फलंदाजी आपण पाहिली असेल मागील दोन सामन्यांमध्ये तर कितीपर्यंत रोखायचा प्रयत्न असेल 40 धन्यवाद खूप खूप शुभेच्छा एसके स्पोर्ट सापे नाणेफेकी जिंकली असती यतीच निर्णय काय असता क्षेत्ररक्षण असतं आता मात्र फलंदाजी करते आणि फलंदाजी एक प्लस पॉइंट आहे आपलं तर किती धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल 50 पुढे जाण्याचा प्रयत्न करणार निश्चित खूप खूप शुभेच्छा नाणेफेकी जिंकली एसके स्पोर्ट सापे संघ प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले खाली
आपण पाहू शकता प्रशांत एक मॅन ऑफ द मॅच जी पटकावलेली आहे त्याबद्दल मी विनंती करेल की आदरणीय मनोरंग पौडेल साहेब आपल्या शुभ हस्ते ट्रॉफी द्यायची आहे प्रशांत याला अप्रतिम फलंदाजी गोलंदाजीच्या जोरावर त्यानंतर संदेश भोई याला विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते गिफ्ट टेम्पर द्यायचे त्यानंतर सुधीरजी गगे आपल्यास विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते रिस्ट वॉच द्यायचे त्यानंतर लाकेशजी दळवी यांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते अजून एक गिफ्ट टेम्पर द्यायचे धन्यवाद धन्यवाद प्रशांत धन्यवाद खालीन संघ मी भूषणजी शेलार यांना विनंती करेल आपल्या आपण व्यासपीठावर विराजमान व्हायचे तसं निलेशजी चंदे सुधीरदादा शेलार आपल्यास विनंती असेल आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचे भूषणजी शेलार खालीन गावचे ग्रामपंचायतचे विद्यमान सदस्य आहेत विनंती असेल व्यासपीठावर यायचे निलेशजी चंदे एक प्रसिद्ध उद्योगपती कानली आपल्यास विनंती असेल आपण व्यासपीठावर यायचे सागर कानली गावचे एक समर्थक सागर विनंती आहे आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचे तर सुधीरदादा आदरणीय संतोषजी सुतार साहेब आपण कुठे असाल कृपया संतोष सुतार साहेब आपण कुठे असाल कृपया मैदानामध्ये प्रवेश ठेवायचे संतोष सुतार संतोष सुतार साहेब एक खेळाडू संतोष सुतार विनंती असेल आपण लवकरात लवकर कृपा करून या सामन्यासाठी पंच धन्यवाद त्रिशूल चेंडू द्यायचे नाणेफेकी जिंकली होती एसके स्पोर्ट्स आपल्या संघाने प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले ते सरस्वती खालीन संघाला विनंती असेल पुन्हा विनंती करतो रोहन कतोरे आपल्यास विनंती असेल आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचे सुधीरजी शेलार विनंती असेल आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचे तसेच आदरणीय भूषण शेलार तसेच सन्माननीय कुशाबा शेलार साहेब सुद्धा या सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी आलेले विनंती असेल आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचे कुशाबा शेलार साहेब तसेच कुंडीराम गगेजी आपण पाहू शकता मृदू एक फोटो काढतोय धन्यवाद ओव्हर टू आदित्य धन्यवाद सचिन अलके गोंदली सचिन वैभव अलके कुणाल गोंदली सचिन गोंदली उसके बाद फिर अमोल दलवी राहुल हलके उसके बाद फिर कई ऐसे नाम है जिन्होंने इस कप को सफल बनाने में काफी मेहनत की है दिन दुगनी और रात चौगनी मेहनत पीजी स्पोर्ट्स कासने और अमर कासने की मेहनत रंग लाती भी लाइट महादेव स्मृति मेमोरियल कप स्मार्थमा फुल टॉस गिनती आगे निकल गए थे बैट्समैन स्लॉप स्वीप करने की कोशिश थी लेकिन बल्ले के पीछे बीच मिडल नहीं किया था पर शाहपुर परिसर में भी 8 जनवरी से 11 जनवरी तक एक बहुत बड़ा मेगाबंड हम देखने जा रहे पुंडलिक मात्रे के विद्यमान से स्मर्थवा बीमार नो का इशारा था बीमार इसलिए किया जाता है सचिन गोंदली बैट्समैन के आंख पर मतलब एक सबक सिखाने के लिए फिर उसको डराने के लिए फिर एक गेंद हाथ से छिटक जाती है निश्चित बीमार करण्याचं कार्य फलंदाजाला बीमार करणं
निश्चित रूप से 1+1 दो रन इस गेंद पर मिलते थे, स्कोर 3। नहीं, शॉट में एलिवेशन नहीं था, दम नहीं था शॉट में विद्यानंद के। जब आप स्वैप स्वीप करते तो आपकी नजरें गेंद पर होना चाहिए, टाइमिंग उसके लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। शॉट का जो सिलेक्शन, कुछ खिलाड़ी अब शॉट सिलेक्शन अच्छा करते, शॉट को बनाते, स्कोर इस पर 1 रन के साथ 4 पे जाता हुआ। कपिल मांगे राइट आर्म और दे विकेट, मतलब काफी तेज की थी लेकिन काउ कॉर्नर पर नंद किशोर ने गेंद को उठाया 1 रन के लिए। पावर प्ले की कारण अभी तक अच्छी गेंदबाजी दिख रहे हैं। एक बीमर को अगर छोड़ दिया जाए तो 3 गेंदे डाली और 3 गेंदों पर कुल मिलाकर 5 रन खर्च किए। लेकिन विद्यानंद और यतीश शिवार एक ऐसे बैट्समैन है जो कहां से भी गियर को चेंज कर सकते, मैच का पिक्चर कभी भी बदल सकते। स्मर्तवा इनसाइड आउट खेला है, टिपिकल पावर प्ले। देखना गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। स्वयंसेवक ने विनंती है, बाउंड्री लाइन का ताबा गया, स्वयंसेवक प्लीज। मार्गी हळू हळू चाला, मुखाने दत्त दत्त बोला। मार्गी हळू हळू चाला, मुखाने दत्त दत्त बोला। मार्गी हळू हळू चाला, मुखाने दत्त दत्त बोला। धन्यवाद। कपिल इथे मात्र गतीमध्ये परिवर्तन आणि चेंडू 4 धावांसाठी जातो एका टप्प्याच्या साहाय्याने चौकार। धावसंख्या पोहोचते ती 15 या धावसंख्येवर। धावसंख्या पोहोचते इथे मात्र एक झेल घेण्याची नाणी संधी होती सोनूसाठी। संधी गावा होतोय आणि इथे 4 धावा बाल करतो अधिकच्या सोनू। अभी भी पहिले ओवर का खेल शेष है और मैंने पहले ही कहा था कि विद्यानंद और यतीश ऐसे बैट्समैन है जो कहां से भी शुरुआत कर सकते, मैच का पिक्चर कभी भी बदल सकते। 10 रन बने अब पिछली 2 गेंदों पर, स्कोर इस वक्त कुल मिलाकर 15 रन बिना किसी नुकसान पर। 3 ओवर का मैच है, 3 ओवर में 40 एक अच्छा टोटल रहेगा सरस्वती कालीन के लिए। इस मरतबा बोल्ड होते हुए पेस बीट गति में बीट हुए गेंद विश्व के फर्नीचर से टकराती हुई। आपण पाहिलं असेल कपिल याच्या गोलंदाजीवर जे बीट होण्याचं कारण आहे, ओव्हर विकेटचा मारा ज्या वेळेस कपिल करत होता इथे मात्र या चेंडूवर राहुल विकेट मध्ये गेला आणि यष्ट्यांचा फर्निचर बिटक्याकडनं एक नैसर्गिक अँगल तयार होतो, एक अँगलच्या सहाय्याच्या जोरावर हा क्लीड मोड झालाय। तो विद्यानंद इथे येतोय विवेक शेलार उर्फ स्टायरिस, भिवंडी क्रिकेट सिटी क्रिकेटचं एक मोठं नाव गोलंदाज विवेक शेलार। बिल्कुल न्यूजीलैंड के स्कॉट स्टाइलिश की तरह दिखने वाले थे वो, उनका दिखने का अंदाज न्यूजीलैंड के बहुत फॉर्मर क्रिकेटर बहुत अच्छे ऑलराउंडर हुआ करते थे स्कॉट स्टाइलिश, जिनका काफी छोटा रनअप था लेकिन गेंद बनने के बाद सिर्फ एक ऐसे गेंदबाज थे न्यूजीलैंड में जो आर्मर भी करते थे, हालांकि मीडियम फास्टर थे लेकिन आर्मर गेंद बहुत अच्छी तरह से करते थे। अरे अष्टपैलू खेळाडूंचा भरणा असलेला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक अष्टपैलू खेळाडू कुठल्या संघाकडे असेल तर ते न्यूझीलंड क्रिकेट संघाकडे। बिलकुल उसमें जेकॉब्स ओराना काही ऐसे नाम थे। प्रत्येक खेळाडूला गोलंदाजी आणि फलंदाजी आली पण या सूत्रानुसार चाललेला देश न्यूझीलंड। दत्ता सुतार स्मर्तबा उठा दिया यतीश ने, गेंद बाहुबली के हाथ से छिटक गई,
रन के लिए। क्या हुआ था? बहुत खूबसूरत शॉट किया था। यती शेलरेला बात करण्याची नामी संधी बाहुबली याला आणि या स्पर्धेतील उत्कृष्ट जेल टिपण्याची सुद्धा संधी होती। इस मर्तबा स्विची और गेंद को भेज दिया है पहले बाउंस पर चार रन के लिए यती शेलर इज ऑन फायर। मैच बॉल आलेला आहे, मैच बॉल आलेला आहे, पंचाने हा चेंडू आपल्याकडे ठेवायचा आहे, मैच बॉल आलेला आहे। स्टॅरिस चेंडू चेक करतो, इथे मात्र यतीश ऑन फायर षटकार खेचतोय, बाहुबली चुकी करतोय, जेल सोडतोय, त्यानंतर एक स्विच हिट चार धावांसाठी, थर्ड मॅन बॉलला इथे बाहेर दत्ता सुतार। गतीमध्ये परिवर्तन, कलेक्ट झाल्याने बॅटवर येईल चेंडू जातो डीप स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये, सोनू कुठल्या प्रकारची चुकी करत नाही, एक धावेवर समाधान मानावं लागतं फलंदाजाला, एक धावावर समाधान मानावं लागतं ते यतीश शेलार याला, एका धावेने धावसंख्या धाव फलकावर 26 रन एक रन के साथ, और विवेक शेलार के पास स्ट्राइक जाती थी, दत्ता राइट आर्म राउंड विकेट, उस मर्तबा उठा दिया विवेक शेलार ने, दी स्पेशल ट्रेडमार्क ऑफ विवेक शेलार, लेकिन देखना क्या कुछ हुआ वहां पर, 6 रन का इशारा था वहां त्रिशूल ठाकरे का। गेंद अब नंद किशोर का भी पीछा नहीं छोड़ रही है, रिप्ले में हम जरूर देखना चाहेंगे क्या कुछ हुआ था, शॉट कैच छुट्टा हुआ, दीपेश मागे अपने सर पर हाथ रखते हुए रिप्ले में साफ नजर आता हुआ। इस मर्तबा सॉफ्ट स्वीप डीप मिड विकेट के बाद, इस मर्तबा 6 रन। सिक्सर के हैट्रिक पर विवेक शेलार, अब तक 3 सिक्सर के हैट्रिक लग चुके, वापाले के प्रशांत, सापे के ऋषिकेश, अल्फादा के सुपियान, छोटी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाइड। उनचालीस पे जाता हुआ स्कोर इस वाइट के साथ, निश्चितच धावाचा पाऊस पडतो, जसं अमर क्रिकेट क्लब पोटीचे संघाने 2 विजय संपादन केले, उपतालुका प्रमुख चषक सरवली गाव इथे विजय संपादन केले, इथे मात्र पुन्हा आसमानी डोला आणि फलंदाज बाद होते विवेक शेलार याच्या रूपाने, खालिंग संघाला मोठा आदरा। बड़ी मछली अब जाल में फंसती थी इसके सापेक्ष, लेकिन जिस काम के लिए भेजे था उस काम को पूरी तरह से निभाते हुए विवेक शेलार, नए बैट्समैन प्रशांत आ चुके। विलेजा बाबतीत सहकार्य करा दोन्ही संघ, धावसंख्या धावपालकावर 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 39
देताना बाहुबली येतोय गोलंदाजी मार्ग वर येते शेलार ऑन स्ट्राईक इथे मात्र आखूट टप्प्याचा चेंडू आटाळण्यामध्ये पूर्णपणे अयशस्वी ठरतोय यती शेलार एक निर्धाव चेंडू आटाळतो बाहुबली म्हणजे नंदकिशोर एक मोठं नाव नंदकिशोर भजागे म्हणजे बाहुबली टॅगमार्क आहे त्याच्यामागे बाहुबली या नावाचं मग गोलंदाजी असेल किंवा फलंदाजी असेल बिल्कुल छोटी गेंद अप ट्रैकर की थी यतीश शेलार को फिर से इस मरतबा पुल किरा लेकिन गौरव गेंद के नीचे थे लेकिन गेंद चली गई लॉन्ग लेग की दिशा पर चार रन के लिए संख्या आता पोचते ती 43 दोन गड्यांच्या मोबदल्या सरस्वती कालीन संघाची धावसंख्या 43 आणि इथे माझा पुन्हा स्वीजी चेंडू जाते चार धावांसाठी चौकार दोन चेंडूमध्ये तीन चेंडूमध्ये धावा खर्च करतोय आठ नंदकिशोर खरंतर आखूट टप्प्याचा चेंडू हाताळतोय आणि यती शेलार याच्यासाठी एक पर्वणी आहे आखूट टप्प्याचा चेंडू धावसंख्या 47 इथे मात्र एक निर्धाव चेंडू फिर से स्वीच हिट खेलने की कोशिश है लेकिन इस मरतबा मिरिट में नहीं थे गेंद चली गई विकेट कीपर के पास रुका हुआ स्कोर 47 तीन ओवर में अब इसके साथे की भी कड़ी परीक्षा रहेंगी सचिन गुंडे क्योंकि लक्ष्य 47 बने और सरस्वती खलिंग के मजबूत गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी की कभी टेस्टिंग हो सकती है इस मरतबा और एक उठा दिया है इस मरतबा गौरव पाटिल गेंद के नीचे और आउट होते हुए यतीश शेलार मेहुल तीन सेकंड ते चार सेकंड गाणं वाजवायचंय याची दक्षता घ्या मेहुल अंधारे घूम के मार दिया लेकिन इस मरतबा कैलकुलेट देखना क्या इशारा था त्रिशूल ठाकरे का छह रन का इशारा था वा तीन ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन और 54 रनों का लक्ष्य आज का आखिरी मुकाबला खेलने के लिए पीजी स्पोर्ट्स कासने के सामने इसके सापे के लिए मेहुल अंधारे डीजे ऑपरेटर्स यांना पुन्हा विनंती असेल चार सेकंड आपण म्युझिक धून वाजवायची आहे जी असेल आणि जेणेकरून गाणं वाजवताना गाण्याचा बोल वाजले पाहिजे याची दक्षता घ्या धन्यवाद मेरे बायान के नाम सकाळच्या सकाळच्या सत्रामध्ये उद्घाटनीय सामना उद्घाटनीय स्पर्धेचे पहिला दिवस पहिले काही मिनिट आणि गाणी वाजवत होते मेरे बायान के नाम मी सांगत होतो की गणरायांचे गाणे वाजव मात्र मेहुलकडे गणरायांचे गाणे नव्हते मेहुल अंधारे डीजे ऑपरेटर्स फलंदाज पाठवायचे एसके स्पोर्ट सापे धावसंख्या 53 54 धावांचं आव्हान ठेवलंय विशाल आव्हान आहे पण या मैदानावर आपण विचार केला तर 50 अधिक धावा सहज पूर्ण होत आहेत कारण
सहज पूर्ण होते आहेत. फलंदाज मात्र एसके सापे याने तर अजून एक सामना केला पाहिजे. एसके प्लीज फलंदाजी साइड इज सोनू आणि मोहन साळवी. रणनीति को चेंज किया है क्योंकि एक लक्ष्य बहुत बड़ा और ऋषिकेश उर्फ सोनू को बैटिंग ऑर्डर में अब इसके साथ फॉरवर्ड करती हुई. यति शेलार गोलंदाजी मार्ग उत्तर खोलव टप्पे के चेंडू टाकने मध्य जो कायमच माहिर ज्यादा माहिर गोलंदाज है तो यति शेलार गोलंदाजी मार्ग पर येतोय. वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करा खाली संघ प्लीज क्षेत्रक्षण लजू लावून घ्या कृपा करून. तीन षटक आणि 54 धावा कृपया वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करा खाली प्लीज. आणि आजच सामना खेळवला जाईल याची सर्व दोन्ही संघांनी दक्षता घ्यायची आहे. शेवटचा सामना मग जितक्या षटकांचा होईल तितक्या षटकांचा खेळवला जाईल याची दक्षता घ्यायची आहे. सरस्वती खालिंग आणि एस के सापे मोहन साळवी ऑन स्ट्राईक. आता इथे माझा करा ड्राईव्ह चार धावांसाठी चार धावून संघाचा आणि स्वतःच्या धावांचा श्री गणेश करतोय तो म्हणजे मोहन साळवी. नाव जनार्दन मामाचा गाजत नसलं तरी इथे मोहन साळवीचं नाव गाजतंय. बिलकुल क्योंकि जैसी शुरुआत चाहिए थी वैसी शुरुआत अब मिलती भी पहली गेंद पर मोहन साळवी के रूप से. यतीश इस मरतबा तेज की थी सवाल पूछा था विकेटों के बीच में रखा था गेंद शरीर से टकराती हुई. फुलटॉस चेंडू होता लोटॉस चेंडू होता खरे तर खलपूस समाजात घेता आला असता मात्र उंच बॅकलिंग ने खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि पूर्णपणे बीज झाला. खरं तर कवरच्या क्षेत्रामध्ये खेळण्याचा पहिल्या चेंडूमध्ये ज्याप्रमाणे खेळण्याचा प्रयत्न झाला तसाच प्रयत्न असता तर रिझल्ट निश्चित दोन चार धावांचा वेगळा आला असता. इथे मात्र यतीश शेलार इथे मात्र येतो साजन के घर सिक्सर सहा धावा धावसंख्या धाव फलकावर लागते दहा. धन्यवाद. बिल्कुल स्पॉट में मिल गई थी रिप्ले में साफ नजर आता हुआ मोहन साळवी स्लॉप फील करते बगैर तारामंडल में कहीं गिरती हुई छह रन के लिए. अब गियर को चेंज करते हुए इसके सापे के बैट्समैन फिर से शॉर्ट ऑन पुल लेकिन इस मरतबा मिस टाइमिंग गेंद के नीचे खिलाड़ी और मोहन साळवी आउट होते हुए. आता येतोय मोहन याची जागा भरून काढण्यासाठी नंद किशोर उर्फ बाहुबली एक मोठं नाव आपल्या पडका टेनिस क्रिकेटचं. खरं तर या चेंडूवर सुद्धा मोठा प्रहार करता आला असता मात्र पूर्णपणे बीट झालाय तो मोहन. चार चेंडू हाताळतो यती शेलार दावा गर्ज करतोय दहा. इथे मात्र अडचणीमध्ये सापडलाय तो एस के सापे संघ. दोन चेंडू शिल्लक या षटकातील. इथे मात्र चेंडू जातोय तडम्यान सीमारेषेच्या पलीकडे अनेक टप्प्यांच्या साह्याने चेंडू जातोय. चार धावा चौकार आणि धावसंख्या दहा फलकावर लागते ती 14. अजूनही 40 धावांची आवश्यकता आहे. निश्चित धन्यवाद. लेवल डीजे यांना विनंती असेल चार सेकंदाच्या वर गाणी नाही वाजवायची. इथे मात्र करारा ड्राईव्ह एस नो आणि इथे मात्र बाहुबली याला जीवनदान दिलं एक दोन धावा घेण्याचा प्रयत्न. ज्या ठिकाणी एकही धाव नव्हती त्या ठिकाणी सहज दोन धावा.
नाव पूर्ण करते सोनू आणि बाहुबली. सामना सुरू करायचंय. धावसंख्या दोन्ही पुढे सरसवली आहे 16. आता स्ट्राईक वर येतोय बाहुबली. गोलंदाज सज्जय विवेक शेलार स्टॅरिस. एक मोठं नाव भिवंडी पडगा टेनिस क्रिकेटच, भिवंडी सिटी क्रिकेटच, धनेश इलेव्हन कुस्ती संघाकडनं क्रिकेट खेळत असतो. मोठं नाव, मोठा गोलंदाज, मात्र कागदावर स्ट्रॉंग असून फायदा नाही तर मैदानात स्ट्रॉंग असणं गरजेचं आहे. क्रिकेटमध्ये आपण काय केलंय, काय करणार आहोत, याच्यापेक्षा आपण काय करतो याला सर्वात जास्त महत्व आहे. धन्यवाद आपले परम मित्र मनोज दलवी या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. प्रत्येक चेंडू नंतर मला सूचना करतायत का पुढे काय होणार आहे. विवेक शेलार समर्थबाद तेज गेम निकल गई, फास्ट एंड फ्यूरियस, कभी गति में कभी तेज रहते विवेक शेलार, जिनकी गति है सचिन गंगी का भी किफायती गेंदबाज है पड़गा टेनिस क्रिकेट के और सिटी क्रिकेट में सीजन में उन्होंने शुरुआत की है बहुत बड़ी टीम के साथ धनेश इलेवन कुत्से के साथ. विवेक शेलार फिर से तेज तरार गेंद अब बांध के रखा है नंद किशोर को, क्योंकि विवेक शेलार के पास काफी अनुभव है, वेरिएशन उनके पास है, उसको अब अनुभव को झोंकते हुए नंद किशोर के सामने. इथे मात्र बाहुबलीला बांधण्याचं काम करतोय विवेक शेलार. इथे मात्र एक धाव घेतोय, एका धावीवर समाधान मानावं लागतं. एका धावेने सोनू कुठल्या प्रकारची चुकी करणार नाही. नंद किशोर याची झोली या आजच्या दिवसामध्ये आपल्याला शांत आणि थंड पाहायला मिळाली. तीन चेंडू आता तो एक धाव खर्च करतोय. खरं तर ज्याप्रमाणे गोलंदाजी आहे शैली, आगळी वेगळी शैली, या शैलीमध्ये तो गोलंदाजी करत असतो, एक कोण बनवतो आणि मग चेंडू आतालतोय स्टायरिस. इथे मात्र बाहुबली बीट होते नंद किशोर येतो फलंदाजीसाठी. समर्थ आव्हाने चीप किया था, बॅकफुट पर चले गए थे बॅट्समन ऋषिकेश. गेंद मिड ऑफ की दिशा में उठाया पहले बाउंस पर एक रन के लिए. अब नीचे बैकलिप का इस्तेमाल किया था, सिर्फ जेंटल पुश जिसे कहा जाता है क्रिकेट में, उस शॉट का सिलेक्शन किया था, मतलब जीत थोड़ी दूर नजर आती थी इसके हिसाब से. मर्तबा बोल होते हुए अराउंड डेलेक्स धन्यवाद. ज्याप्रमाणे बाहुबली यांनी या सामन्यामध्ये निराशा केली, खरं तर पूर्ण सामना आता झुकलाय तो सरस्वती खालीन संघासमोर. बाहुबली याच्याकडे जे अपेक्षा होत्या पूर्णपणे पाणी पिले बाहुबलीने. खरं तर या षटकामध्ये चेंडू खेळलाय बाहुबली चार चेंडू खेळलाय आणि धावा जमा केल्यात फक्त एक. धावसंख्या धावफलकावर लागत आहे 18. 36 धावांची आवश्यकता आहे अजूनही. जीत अभी भी दूर नजर आती भी बची भी 7 चेंडू पर काफी रन चाहिए. समर्थ बाबा में उठा दिया आकाश ने, अगेन आकाश में चली गई आणि फलंदाज बाद होते. 36 धावांची आवश्यकता आहे, 6 चेंडू 36 धावा. गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज पाठवायचा, एक रुपया वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करा. यानंतर अजून एक सामना आहे. बची हुई एक ओवर में जीतने के लिए 36 रन, मतलब 6 सिक्सर की जरूरत, और इसी बैट्समैन ने स्पर्धा में
एक ओवर में पांच सिक्सर लगाए, अब छह सिक्सर की जरूरत है, रुका हुआ स्कोर दो ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन। प्रशांत गोलंदाजी मार्ग वर सोनू साठी दोन धावा पूर्ण होतात, या दोन धावे धावसंख्या पुढे सरसावते, धावसंख्या पुढे ती 20। अब मैच को लगभग छोड़ दिया, पर लेकिन कोशिश जरूर हो रही है ऋषिकेश के तरफ से एक रन इस बीच पूरा करते हुए, एक रन के साथ स्कोर 23 पर जाता हुआ 21 पे जाता हुआ 21 रन। यानंतर तैयार रहे पीजी कास्ने वर्सेस विजय संघ, बिल्कुल एक टीम क्वालिफाई कर चुकी है सुपर संडे के लिए, जय गणेश वाफल है जो कल की छोटी की टीम थी, आज का छोटी का लगभग आखिरी मुकाबला पीजी स्पोर्ट्स कास्ने ए बनाम सरस्वती खालिंग के बीच में होने जा रहा है, क्योंकि मैच का जो पिक्चर है उसको एनालाइज किया जाए तो फिर सरस्वती खालिंग उनका पगड़ा भारी स्पर्धा गेंद के नीचे प्रशांत शेलार और आउट होते हुए दत्ता सुतार। आणि इथे हा चेंडू चेंडू जातोय हवेमध्ये, श्री बाबा औपचारिकता बाकी आहे, सामना करते हुए कपिल मागे नाणेफेकीसाठी विनंती करेल, गौरव गोली तयार राहायचे, स्मार्टबा छोड़ दिया व्हाइट का इशारा ताबा, एक रन मिलता बा। स्मार्टबा अच्छी गेंद है, इसके साथ इस मैच को जीत लिया है और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है जिन्होंने एक और एक विकेट और दो रन जिस समय टीम को जरूरत थी वो है विवेक शिलार। विवेक शेलार आपको आगे आना मैन ऑफ द मैच के लिए, हालांकि 21 रनों की पारी यतीश शेलार ने भी खेली थी लेकिन सही समय अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने, और सरस्वती खाली के कप्तान आपको टॉस के लिए आना, ओवर टू सचिन गंदे।